सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। सोक्रेटिस को फंसाया जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई आप गिल्टी हो, ठीक है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला, तो जो आपने कहा आप उस बात से पलट जाओ, आप मान लो कि आप गलत हो। दूसरा ऑप्शन, आप एथेंस छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, आप जहर पी लो। सोक्रेटिस कहते हैं कि जो भी मैंने कहा है उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, अगर मैं अपनी बात से अलग हट गया तो मेरे जो अनुयायी हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सब बोलेंगे कि मैं झूठा हूँ, तो मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा। एथेंस मेरा राज्य है, मैं इसे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा किसी भी हालात में। आप मेरे लिए जहर का प्याला मंगा दो। जहर मंगाया जाता है, सोक्रेटिस जहर को पी लेते हैं, सोक्रेटिस की कहानी खत्म होती है और अब शुरुआत होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के सबसे महान थिंकर की। इनको कुछ लोग पितामह भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, क्योंकि इनसे बड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफर कोई आया नहीं अब तक। प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो जैसे थिंकर जब आते हैं वो इस ऑर्डर में कुछ चीज़ों को एड ऑन करते हैं, ठीक है। अभी आप उस तरफ मत जाइए, अभी हम इस तरफ, वी आर ऑन द फिलॉसफी साइड। हर वो इंसान जिसके पास दिमाग है, नॉलेज रखता है, हाँ, एजुकेशन पेड की, हाँ जी बोलिए अमरजीत जी। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्धिक, बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज में तर्क और वितर्क जानता है, ठीक है ना, और किसी चीज का राइट और रॉन्ग पर डिस्कशन कर सकता है, अपने राइट को राइट रखते हुए सामने वाले के रॉन्ग को राइट करे, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करे। आप तभी डायलेक्टिकल्स का इस्तेमाल कर पाओगे, आप तभी द्विगुणात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल कर पाओगे जब आप उसको सुन पाओगे। चलिए इधर ही आते हैं, अभी गॉड की बात करते हैं। अब जब प्लेटो आते हैं तो प्लेटो कुछ ऑर्डर को लेके बड़ी गहन अध्ययन करते हैं, तो बोलते हैं ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। इसके बाद सिटीशिप क्या है, रूलर कौन है, ठीक है, इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट की जब बात करते हैं प्लेटो, तो प्लेटो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं। अब यहाँ साइंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, बट फिलॉसफी इस साइंस के ऊपर अब भी हावी है। तो सबसे पहले कौन आता है? इंडिविजुअल आता है। कौन आता है? इंडिविजुअल। आप सबसे पहले अकेले आया पूरी दुनिया। इसके बाद क्या आया? फैमिली आएगी। तो फैमिली क्या हो गई? फैमिली किससे बनी? एक इंसान से बनी है, कितने से बनी? दो तीन लोगों से बनी, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड। दुनिया की पहली संस्था क्या है? परिवार है। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड। अब ये फैमिली आगे बढ़ी, इससे शुरुआत हुई किसकी? विलेज, कम्युनिटी, या आप कह सकते हैं सोसाइटी, कोई भी वर्ड आप इसको दे सकते हैं। अब ये जब आगे बढ़ी टू फाइंड आउट सम मोर सिस्टमैटिक ऑर्डर, तो हमारे सामने क्या आता है? स्टेट आता है। प्लेटो कहते हैं कि इस पूरी चेन में स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, लिख लीजिए इसको। एक इंसान आया, फिर आई फैमिली, परिवार आया, फिर आया विलेज, कम्युनिटी या सोसाइटी, फिर आया स्टेट, ठीक है। तो स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। जो राज्य है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी छाया है या रूप है उसका, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता उसका। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? ओरिजिन ऑफ स्टेट समझ में आया आपको। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो हो रही हैं। अभी जो स्टेट फॉर्मेशन हो रही है ना, जहां लोग आ रहे हैं, सोसाइटी, विलेज, कम्युनिटी मिल रही है, ये ऐसे नहीं हो रहा कि सिर्फ परिवार से बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्लेटो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कल्चर ने रोल प्ले किया है, ट्रेडिशन ने रोल प्ले किया है, लोग जुड़े हैं एक साथ चीजों को लेके, और हम प्लेटो को यूटिलिटेरियन नहीं बोलेंगे किसी भी सेंस में, ठीक है, बट यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि जरूरतों ने लोगों को जोड़ा, नीड्स ने आप लोगों को जोड़ा।
विलेज कम्युनिटी कैसे बनती है? कहीं खेत में एक जगह कोई घर बना देता है, फिर उसी का भाई दूसरा घर बना देता है, फिर उसका भाई तीसरा घर बना देता है, फिर कोई दोस्त आके घर बना देता है साथ में। इस तरह विलेजेस बनते जाते हैं। फिर कोई ऐसा होता है जो खेती बाड़ी छोड़ के कहता है कि ठीक है मैं तो लोहार का काम करूंगा, कोई कहता है मैं लकड़ी का काम करूंगा, कोई कुछ और प्रोफेशन ढूंढता है, कोई कुछ और प्रोफेशन ढूंढता है। आज भी इफ यू गो टू यूपी, इफ यू गो टू लाइक आप अपर एरियाज में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, तो वहां पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्टली रोड से। तो आपको ऐसे विलेज मिलेंगे जहाँ पूरे गांव में एक ही लोहार है, पूरे गांव में एक ही कारपेंटर है, ठीक है, तो वो उसी तरह से काम होता है, उसका बेटा फिर उसी काम को करता है, तो हायरार्कियल सिस्टम उसमें चलता रहता है और विलेज इकोनॉमी मेंटेन रहती है। तो कहते हैं लोगों ने आपस में जो जुड़ाव किया इन चीज़ों ने किया। प्लेटो कहते हैं म्यूजिक का रोल रहा, कल्चर का रोल रहा, इन सब चीज़ों का रोल रहा। और ये म्यूजिक कल्चर वगैरह ये कॉमन चीज़ है, आपको कन्फ्यूशियस में भी हमने पढ़ी थी जब वो कहते हैं कि आर्ट्स ये सब ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो अभी इस तरह से जुड़ाव होकर स्टेट का ओरिजिन हुआ। अब स्टेट ओरिजिन तो हो गया, प्लेटो कुछ और फैक्टर्स की तरफ ध्यान देते हैं। अब प्लेटो कहते हैं सिटीजनशिप की बात करें, किसकी बात करेंगे, राज्य का सबसे अभिन्न अंग जो है वो उसके नागरिक हैं। बिना नागरिकों के कोई राज्य संकल्पित या सोचा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट विदाउट दी सिटीजन्स ऑफ स्टेट। अब स्टेट में सिटीजन्स की बात जब आती है तो प्लेटो कहते हैं कि स्टेट के अंदर सिटीजनशिप समय के साथ साथ आगे बढ़ी। अब जब समय के साथ साथ आगे बढ़ी सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप में बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है, तो किस तरह से सिटीजनशिप बटी और किस तरह से आपके सामने प्लेटो उसको समझाते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जिस सिटीजनशिप को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं किसी भी स्टेट की, हमारा पहला हिस्सा होता है गोल्ड, क्या होता है गोल्ड स्वर्ण, दूसरा हिस्सा क्या होता है सिल्वर, तीसरा हिस्सा क्या होता है कॉपर, ठीक है ना। तो ये तीन हिस्से जो हैं, या आप इसको एपेटाइट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर कॉपर को। अब प्लेटो क्या कहते हैं कि जो क्लास आई है तीन, गोल्ड सिल्वर और कॉपर, इन तीनों क्लासेस के ओरिजिन के पीछे स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ नॉलेज। क्या है? स्टोरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। हमने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया है, यू बिलोंग्स टू दिस क्लास, यू बिलोंग्स टू दिस क्लास और यू बिलोंग्स टू दिस क्लास, देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज अ स्टोरी। तो प्लेटो कहते हैं कि समाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो समाज को समाज बनाता है वो है नॉलेज, और नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ रीजन। जब व्यक्ति को आप ज्ञान दोगे तो कारण पैदा हो जाएगा, एंड यू गिव अ नॉलेज टू समवन तो रीजन पैदा हो जाएगा, रीजन क्रिएट हो जाएगा, और जब रीजन क्रिएट हो जाएगा तो वो रीजन और नॉलेज को लेके आएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये नॉलेज कभी रीजन को खत्म नहीं होने देगी, और जब तक रीजन रहेगा और नॉलेज आती रहेगी। ये एक भूख की तरह है, जानने की भूख, ये जानो, अच्छा और जानो, अच्छा ये भी जानो, अच्छा वो भी जानो, ठीक है ना। तो ये सब एक कंटिन्यूस सीरीज में चलता रहेगा। प्लेटो कहते हैं यहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो एक स्टेट का एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है जिस पिलर का नाम है एजुकेशन। क्या नाम है? एजुकेशन। एजुकेशन से प्लेटो ये बताना चाहते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट के लिए, बिकॉज इट इज द वन थिंग विच कैन क्रिएट अल्टीमेट इक्वालिटी, विच कैन क्रिएट अल्टीमेट इक्वालिटी। अब इस इक्वालिटी के बाद इट इज अप टू यू कि आप इसे कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो विराट का युद्ध होता है महाभारत के समय में, देर इज अ इंसिडेंट ऑफ अ वॉर, विराट का युद्ध, जहां एक तरफ अर्जुन होता है अकेला और सामने पूरी कौरव सेना होती है, ठीक है। लड़ाई चलती है, अर्जुन अकेला सबको हरा देता है, पूरी दुनिया के सारे महारथ की एक साइड, अर्जुन अकेला एक साइड, सबको वो हरा देता है, ठीक है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोलता है कि आपने ये बहुत गलत किया, आपने गुरु की मर्यादा को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य बोलता है, दुर्योधन ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहता है कि हम सब आपके शिष्य थे, पर आपने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान दिया,
अल्टीमेट वॉरियर उसको बनाया, हमको नहीं बनाया। द्रोणाचार्य मुस्कुरा के कहते हैं कि हे दुर्योधन, मैंने तुम सबको शिक्षा रूपी फल दिया था। क्या दिया था? ठीक है, फ्रूट दिया था। अर्जुन ने उस फ्रूट को सीड समझ के जमीन में दबाया, उसको रोज पानी दिया और पेड़ बना दिया। तुम उस फ्रूट को इनफ मान के घर चले। जब तुम सब सोते थे ना तो अर्जुन पूरी रात प्रैक्टिस करता था। उसी का रिजल्ट है कि आज वो फाइनेस्ट वॉरियर है पूरी दुनिया। ठीक है ना, अर्जुन ने तपस्या की भगवान शिव की, लॉर्ड शिवा की। वो आए और पूछते क्या मांगते हो बताओ। तो उसने कहा मुझे निंद्रा विजयी बनाओ, मुझे कभी नींद ना आए। शिव जी ने पूछा यार बड़ा तू तो वेर्ड सी चीज़ मांग रहा है, तो मुझे लगा तू कुछ हथियार मांगेगा, कुछ ऐसी चीज़ मांगेगा मुझसे। तो उन्होंने कहा नहीं, जितना टाइम मैं सोता हूँ उतना टाइम मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। बोलते हैं कि एजुकेशन क्रिएट इक्वालिटी। अब इट्स अप टू यू कि आप उस इक्वालिटी को कितना आगे ले जाते। प्लेटो के विचार लगभग उसी तरह है। कहते हैं कि एजुकेशन इज द अल्टीमेट थिंग विच कैन क्रिएट द इक्वालिटी। नो जेंडर डिफरेंस, मेल हो या फीमेल हो, बराबर की एजुकेशन। ठीक है, स्पार्टा और एथेंस दो स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं दोनों जगह के एजुकेशन सिस्टम्स को आप कंपेयर कीजिए। एथेंस में एजुकेशन प्राइवेटाइज है, लोगों का जो मन करता है वो पढ़ाते हैं, कोई स्टेट वैल्यू नहीं है एजुकेशन के अंदर। आप जब बचपन से पढ़ते आए हो तो आपने भारत की हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस क्या हैं इनको आप जानते हो। आप सोचो आपकी एजुकेशन से मैं सब कुछ निकाल दूँ तो आपको अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो ऐसे में ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर नेशनलाइज वाला कोई चीज़ नहीं है, नेशन जो सर्व कर रहा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि एजुकेशन हमेशा देश को सर्व करनी चाहिए, नेशन को सर्व करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, कहते हैं क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड टू द माइंड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल थिंग्स, तो आप हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिना उसको सर्व करो। मेल एंड वुमेन कैन एक्वायर इक्वल नॉलेज, तो आप उनको इक्वल नॉलेज सर्व करो एजुकेशन में। प्लस तीन फॉर्म होंगी आपकी एजुकेशन की। क्या तीन फॉर्म होंगी जी? मॉरल, फिजिकल, फिलोसफिकल। मॉरल, फिजिकल, फिलोसफिकल। ठीक है ना, आप मॉरल को मेंटल कह सकते हो, इस तरह से आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, आपको नैतिक बनाया जाए, दैट मीन्स लोगों के साथ रहने वाला सामाजिक बनाया जाए, और आपको क्या बनाया जाए, फिलोसफिकली हाई बनाया जाए। आप स्कूल जब जाया करते थे तो सुबह सबसे पहले एक मॉरल प्रैक्टिस होती थी, प्रेयर होती थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद आपकी एजुकेशन होती थी, फिलोसफिकल नॉलेज, और पीटी के पीरियड होते थे जब आप खेलते थे, कूदते थे, फिजिकल। तो कहते हैं कि तीन चीज़ कंबाइंड हैं तो यू कैन डेवलप ह्यूमन परफेक्टली, अदरवाइज वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्म होंगी और तीनों के लिए होंगी। तो कहते हैं स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एजुकेशन के अंदर, सबको इक्वल एजुकेशन सर्व होती है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि इस तरह का सिस्टम फाइनेस्ट है। तो प्लेटो कहते हैं कि पहला, मैं सीधा एज पे ही आऊँगा, मैं बीच के पूरे डेफिनेशन नहीं करूँ। 18 ईयर्स तक आपको सिखाई जाए बेसिक नॉलेज, ठीक है, बहुत बेसिक एजुकेशन होगी आपकी, मोरालिटी, वॉरलिटी, एथिक्स, सोसाइटी के बारे में सब चीज़ें सिखाई जाए, बेसिक एजुकेशन दी जाए। ठीक है, दैट इंक्लूड योर फिजिकल ट्रेनिंग्स एंड ऑल, ठीक है, ये सब दिया जाए। अब 18 साल तक की एजुकेशन मिलने के बाद, इफ़ यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इफ यू आर इनफ फिजिकली स्ट्रॉन्ग और आप उन ऑब्स्टकल्स को कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तब आपको नेक्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन पे लेके जाए। तो यहाँ पर आपका एक एलिमिनेशन हो गया। यहाँ तक जिन लोगों ने एजुकेशन ली है, ठीक है, वो लोग किस क्लास में जाएंगे? एपेटाइट, ठीक है, वो इस क्लास के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का काम क्या है, बिजनेस करना, ये सब करना, बाकी फंक्शंस को फुलफिल करना, दैट मीन्स आर्टिशन, क्राफ्टमैन एंड ऑल एंड ऑल। अब इसके बाद इस एज तक 2 साल आपको दी जाएगी मिलिट्री ट्रेनिंग। क्या दी जाएगी? मिलिट्री ट्रेनिंग। अगर आप इसको सक्सेसफुली कवर अप करते हो, ठीक है, तो आप किस क्लास में जा रहे हो? आप जा रहे हो सिल्वर क्लास के अंदर। अब इस 20 साल के बाद नेक्स्ट 15 साल
35 ईयर की एज तक आप फिर हायर स्टडीज करोगे। क्या करोगे? हायर स्टडीज करोगे। अब इन हायर स्टडीज के बाद आप पढ़ोगे 15 साल तक डायलेक्टिकल। क्या पढ़ोगे आप? प्लस 15 ईयर्स आप पढ़ोगे डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स होते हैं बेसिकली हिंदी में आप बोले तो रचनात्मक पद्धति, ठीक है, वाद विवाद संवाद के तरीके। डायलेक्टिकल फिलोसफी आप पढ़ोगे, कोर फिलोसफी, ठीक है। अब यहाँ पे चीज समझने वाली ये है, अगर इस एज के बाद आप आर्मी में चले गए तो वेल एंड गुड है, ठीक है, आर्मी में जाना ही है। बट जिसने कहा कि मैं आगे पढ़ूंगा और ये 35 साल कवर कर लिए, ठीक है, बट ये 35 साल कवर करने के बाद इट इज हिज चॉइस कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। ये नॉलेज रखते हैं तो ये आगे जाएंगे, अदरवाइज ये इधर से एलिमिनेट हो जाए। और फिर किस क्लास को ज्वाइन करेंगे? अठारह साल की उम्र तक आप आए, सब एलिमिनेशन हुआ। हम में से जो फिजिकली स्ट्रांग थे उनको अलग कर दिया, उनको कहा कि आर्मी में जाओ, आर्मी में जाओ मतलब ये कवर कर। अब जो आर्मी में चले गए, ठीक है, बट ये ट्रेनिंग उन सबको मिली जो फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है, जैसे प्लेटो थे, चौड़े कंधे, दौड़ डाल, मजबूत। अब कहा इनमें से कुछ ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, बट कुछ ने कहा दैट वी आर विलिंग टू स्टडी फर्दर। उन्होंने इस स्टडी प्रोसेस को कवर अप किया, बट यहाँ के बाद वो और 15 साल डायलेक्टिकल्स नहीं पढ़ सकते थे, या वो इस लायक नहीं थे कि वो डायलेक्टिकल्स आगे पढ़ सके। अब इनको यहाँ से एलिमिनेट किया है। अब क्योंकि ये 35-35 साल की उम्र में है तो ऑब्वियसली बात है अब इस क्लास में जाना इनके लिए संभव नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे? 35 साल में आर्मी ज्वाइन करता है वो, ठीक है, कहाँ जाएंगे वो? इस क्लास में, ठीक है। अब ये प्लेटो ने नहीं कहा, बट ये अंडरस्टैंडिंग फैक्ट है। आपने एजुकेशन ले ली, आपने एजुकेशन को समझ लिया, और एजुकेशन से आपकी तीन अलग अलग क्लासेस सामने आ गई, ठीक है। आपकी एक क्लास आई गोल्ड क्लास, ठीक है, जिसमें आए इंटेलेक्चुअल्स। आपकी सिल्वर क्लास आई जिसमें आई आर्मी। आपकी आई कॉपर क्लास जिसमें आ गया एपेटाइट वर्क, ठीक है। अब बात यह आती है कि किंग कौन बनेगा? 20 फिलोसफर हमारे पास हैं, अब राजा कौन बनेगा, किसको राजा बनाया जाएगा? तो प्लेटो ने तो बोला नहीं कि ये क्वालिटी होंगी। प्लेटो क्या कहते हैं कि जो राजा है, जो किंग है, जो फिलोसफर है, वो अपने कामों से, अपनी नॉलेज से, या जो भी आप इस्तेमाल करो वर्ड, उससे सामने आएगा, अपने आप निकल के सामने आएगा। भारत में 1857 का विद्रोह होता है, और वो विद्रोह होने के बाद इस तरह से कहते हैं ना, सीजन जब आता है फूलों वाला, स्प्रिंग सीजन जब आता है, फूल खिल के सामने आते हैं। नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ठीक है, सावरकर, भगत सिंह, सब एक एक करके सामने आते थे, ठीक है ना। लोग जो पढ़े लिखे थे, नॉलेज वाले थे, वो इस तरह से फूल की तरह खिल के सामने आने लगे। किसी ने उनको खड़े हाथ पकड़ के नहीं कहा कि ही इज द मैन, ये आपके लिए लड़ेगा। ये सब अपनी क्वालिटीज है, ठीक है ना। तो प्लेटो भी किसी ऐसे किंग की इमेजिनेशन करता है जो अपनी क्वालिटी से, अपनी नॉलेज से, अपने कामों से निकल के सामने आएगा, ठीक है। उसका प्रोसीजर किंग बनने का क्या होगा, इस चीज को डिफाइन नहीं किया जाता, बट वो इसी तरह सामने आएगा। तो इस चीज को पढ़ के प्लेटो की कुछ थिंकर्स कहते हैं कि प्लेटो का किंग कैसा है? फासिस्ट है, क्योंकि तो इस तरह तो फासिस्ट किंग सामने आते हैं। गोल्ड क्लास में इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, सिल्वर क्लास में आर्मी आती है, कॉपर क्लास में बाकी सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये कहते हैं इस तरह से किंग सामने आएगा। अब जो भी फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल है वो क्या बन जाएगा? रूलर बन जाएगा। अब क्योंकि ये रूलर है और क्योंकि ये फिलोसफर है, तो ये सब कुछ जानता है। ये सोशल वैल्यूज जानता है, ये पॉलिटिकल चीजों को जानता है, ये आपकी इमोशनल वैल्यूज जानता है। इसने एक लंबा लाइफ का करियर, 50 साल की अपनी जिंदगी आप लोगों के बीच में बताई है, इसको सब कुछ पता है। तो ये कुछ गलती करे इस बात की कोई चांस नहीं है। तो ये किंग पूरी तरह से क्या है? एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है, 100%, ठीक है ना। तो ये क्या है? फिलोसफर किंग है प्लेटो का। समझ में आ गया अब तीनों पॉइंट? ओरिजिन कैसे हुआ, सिटीजनशिप कैसे आई, और अब रूलर कैसे बना, ठीक है ना। तो जो रूलर है और जो आर्मी है,
ये दोनों क्या कर रही हैं, सेफ गार्ड कर रही हैं, क्या कहलाएंगी, गार्जियन क्लास, संरक्षण वर्ग, संरक्षक वर्ग, स्टेट का सेफ गार्ड करने वर्ग। डन, संरक्षित करती हैं स्टेट को, संरक्षक वर्ग कहलाएंगे। एक पॉलिटिकल संरक्षण दे रहा है और एक बाउंड्री को दे रहा है संरक्षण, ठीक है ना। अभी दोनों क्लास बहुत खास है और इन दोनों क्लास से बिलोंग करने वाले लोग बड़े नॉबल हैं, कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेगा। फौज में किसी ड्रेस में किसी को देखते हैं, फौज सुनते ही कहते ना, वाह ये तो क्लास के अलग है, ठीक है ना। तो ये क्लास को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटो, और प्लेटो खुद मानता है कि भैया ये नॉबल और एलीट क्लास है दोनों की, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है भी पॉलिटिकल क्लासेस हाईएस्ट मोस्ट देन द आर्मी हु हैंडल अप द थिंग। तो प्लेटो कहते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी ड्यूटीज भी अलग होंगी। तो सवाल ये आता है कि भाई ड्यूटीज क्या होती हैं, व्हाट यू काउंट एज अ ड्यूटी। तो प्लेटो कहते हैं कि मेरी सिटीजनशिप बेस्ड है ड्यूटी पे, किस पे बेस्ड है, ड्यूटी पे बेस्ड है। आपका क्या काम है, आर यू मैरिड, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड, ठीक है, आप स्टूडेंट भी हैं, तो आपकी तीन ड्यूटी, टेक केयर ऑफ योर मॉम डैड, आपके एग्जिस्टिंग फैमिली में जहां पर रह रहे हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड वर्क इज योर एजुकेशन, इन तीन में से एक भी काम ठीक नहीं होगा तो आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेटो कहते हैं अ गुड पर्सन इज अ गुड सिटीजन, गुड पर्सन इज अ गुड सिटीजन। तो भाई कौन है गुड पर्सन, जो अपनी ड्यूटी को 100% फुलफिल करे वही गुड पर्सन। अब एरिस्टोटल ने फिलॉसफी को जब पढ़ा और समझा तो एरिस्टोटल ने शुरुआती तौर पे तो प्लेटो के आइडियाज को प्रेज करा, बट एरिस्टोटल ये जानते थे कि मोस्ट ऑफ दी प्लेटोनिक आइडिया पॉसिबल नहीं है, इनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टेट ओरिजिन पे हम आइडियाज से शुरुआत करते हैं, यहाँ भी बात ऐसे ही होगी, इंडिविजुअल देन फैमिली देन विलेज या कम्युनिटी या सोसाइटी आप जो बोलते हो, देन आएगा हमारा स्टेट। तो जहां प्लेटो ने कहा था कि स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, इन्होंने कहा कि इन दिस लाइन इन दिस चेन स्टेट इज प्रियर देन इंडिविजुअल। नो डाउट के इंडिविजुअल पहले आया, स्टेट बाद में बना, बट इन दिस चेन स्टेट इज ऑलवेज प्रियर देन इंडिविजुअल, ठीक है। आप जब एक इंस्टीट्यूशन की नींव रखते हो, इंस्टीट्यूशन को बना देते हो, खड़ा कर देते हो, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ जाता है, तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि भैया आई एम इंपॉर्टेंट देन दिस इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इंपॉर्टेंट नहीं रहते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एप्पल का, ठीक है, एप्पल के फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब, उसी को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था। तो दिस इज अ वन एग्जाम्पल कि भले ही आपने इसकी शुरुआत की थी बट आज आप इससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं हो। द स्टेट इज प्रियर देन इंडिविजुअल, इस चेन में ये पहले आता है। आज इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल बोलते हैं इक्वालिटी कैन बी सर्व इन टू टू फॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है। टू पुअर पीपल सेटिंग टूगेदर इट इज कॉल्ड जस्ट, वन रिच मैन सेट विद दी वन पुअर मैन इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट। अब एरिस्टोटल कुछ और कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से फोकस करते हैं, वो बात करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द रूलर, लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी, ठीक है। तो जस्ट और अनजस्ट से कुछ और सिद्धांत निकल के आते हैं, जैसे कि मेरिट सिस्टम पे इनका बिलीव, ही बिलीव इन अ मेरिट जो सिस्टम होता है, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे चीजों करना, आपके 60% आए, आपके 65 आए, आपके 70 आए, आपके 75 आए, ठीक है, मेरा क्राइटेरिया है कि 70 से ऊपर वालों को लूंगा, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, आप दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो मेरिट सिस्टम जो था उसको ज्यादा मानते थे और क्या बोलते थे, प्रॉपर्टी इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क एंड लेबर, ठीक है, जो मेंटली हो सकता है और फिजिकली दोनों सेंस में हो सकता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है उसको समझाते हैं,
प्रॉपर्टी किस तरह से डेवलप होती है, ग्रो करती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल जब प्लेटो को पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल कहते हैं कि आपका किंग एक बहुत लंबा प्रोसीजर एजुकेशन में बिताता है और फाइनली किंग बनता है। समाज की सारी नॉलेज है उसको, 50 साल उसने पढ़ाई की है, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से पता है। अब उसको आपने किंग बना दिया है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके बनाया है कि ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपका किंग किंग नहीं है, एब्सोल्यूटिस्ट है, ठीक है, संपूर्णवादी है। वो कभी गलत तो हो ही नहीं सकता, और गलत कभी कौन नहीं हो सकता, आइदर अ गॉड और बीस्ट, या तो भगवान नहीं हो सकता या तो शैतान नहीं हो सकता, इन दो के अलावा तो सभी को गलत होना पड़ेगा, ठीक है। तो आइदर अ गॉड या बीस्ट, ये दो लोग अलग नहीं हो सकते। एंड वी ऑल नो दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल कम्युनिटी पॉलिटिकल कम्युनिटी के बिना इंसान नहीं रह सकता। तो जिस कंडीशन से आप अपने किंग को तैयार कर रहे हो वो कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ऐसे में आपका किंग का जो राज्य है वो तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एब्सोल्यूट स्टेट हो जाएगा, जहां पे एक समय ऐसा आएगा जब वो किसी की बात सुनना छोड़ देगा। तो ऐसे में जरूरी है कि एक किंग एक चीज से बंधा हो। कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हो, तभी उसी कंडीशन में एक किंग राज्य को चला सकता है पूरी तरह से, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा।